मंदसौर में स्कूली छात्रा के साथ हुई बर्बरता पूर्वक की गई हैवानियत को लेकर शहर ही नहीं वरन देश के हर वर्ग में नाराजगी दिखाई दे रही है। जो मासूम दरिंदों की दरिंदगी की शिकार हुई है, इसके चलते सबसे अधिक आक्रोश स्कूली छात्राओं में दिखाई दे रहा है। जगह जगह आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन की कड़ी में 5 जुलाई गुरुवार को राजवाड़ा इलाके में स्कूली छात्राओं ने रैली निकाली और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। आज सुबह बड़ी संख्या में पिपली बाजार चौराहे पर महावीर मार्ग स्थित जैन श्वेतांबा सुंदरबाई हाई स्कूल की छात्राएं और स्टाफ पहुंचा। यहां से एक रैली निकाली गई। इस रैली में छात्राएं हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लिए मंदसौर दुष्कर्म कांड के आरोपी इरफान और आसिफ को फांसी देने की मांग कर रही थी। रैली में शामिल छात्राओं को देखकर साफ लग रहा था कि इस मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ इनमें कितनी नफरत है। स्कूल की प्राचार्य श्रीमती सरिता शर्मा ने बताया कि राजवाड़ा पर रैली के पहुंचने के बाद छात्राओं ने मानव श्रृंखला भी बनाई और दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की। सरिता शर्मा ने बताया कि मंदसौर में मासूम के साथ जो घटना हुई, ऐसी घटना भविष्य में किसी के साथ भी नहीं हो, इसके लिए दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सभी छात्राओं और स्कूल स्टाफ ने बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रार्थना भी की। हमारी सुरक्षा नहीं है, हमको हमारी सुरक्षा चाहिए। हमारे देश में सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा पूरे देश में होनी चाहिए। जिस किसी ने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल जो हमारे शहर में हो रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी एक लड़कियाँ हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो। हमारे को आगे बढ़ना है तो हमारे पेरेंट्स हमको डर के मारे कहीं जाने भी नहीं देंगे और उस लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए और जिसने ऐसा करा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब हमारे को तो सुरक्षा चाहिए। हम इतनी दूर दूर से आते हैंगे स्कूल पढ़ने के लिए, अगर ऐसा ही रहेगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे फिर डर के मारे। जो मंदसौर वाला जो कांड हुआ है ना दुष्यंत, तो जो उसको बच्ची आज है ना, कोई भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। राजवाड़े वाले कांड में भी अभी तक कोई फांसी नहीं हुआ, ठीक है। सतना वाला कांड हो रहा है, कोई फांसी नहीं दी जा रही। आज हम स्कूल चलाते हैं, हर पेरेंट्स ये बोलता है कि बच्चियों को क्या कैसे भेजें। आज हमारी भी जवाबदारी, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर का हुआ, भाई कैसे स्कूल वाले क्या कर सकते हैं। और मेरा तो राज्य सरकार से यही निवेदन है कि बिल्कुल उसको फांसी दिए जाए और 20 सड़क पे ले जाके दिए। क्यों इतना बढ़ रहा है, नहीं क्या कारण है। जब दिल्ली का कांड हुआ तब तो बोला नहीं लड़की बड़ी थी, पर ये तो छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं तो कैसे रहेंगी। मेरा जैन श्वेतांबर स्कूल सुंदरबाड़ी का सारा स्टाफ, बच्चे काफी आक्रोश में हैं, पेरेंट्स भी आए हुए हैं और हम तो बस एक ही हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों को 20 चौराहे पे फांसी दे। हम राजवाड़े तक है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ट्रैफिक भी खराब करना नहीं चाहते, इसलिए राजवाड़े तक।